नीट और जेई की परीक्षा में अगर आप अपना स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो ये पांच बातें बिल्कुल मत करिएगा और वीडियो पूरा सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक बोनस टिप भी आपको दूंगा। पहली टिप है इनकंसिस्टेंसी। पढ़ाई में रेगुलरिटी बना के रखिए। अगर आप इरेगुलर हैं तो उसका सीधा आपके स्कोर पे इम्पैक्ट आता है। दूसरा पॉइंट है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि बहुत सारे काम को एक साथ करना या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट को एक साथ फोकस करने की कोशिश करना, जिससे आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है और आपकी स्कोरिंग एबिलिटी लो हो जाती है। क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। बहुत से स्टूडेंट बहुत पढ़ते हैं परंतु उनकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती। वो कंसेप्ट पर फोकस नहीं करते, कंसेप्ट की एप्लीकेशन पर फोकस नहीं करते। ज़्यादा पढ़ने से स्कोर ज़्यादा नहीं आता, अच्छी क्वालिटी का स्टडी करने से स्कोर ज़्यादा आता है। फोर्थ पॉइंट है एक्सेसिव टेलीविज़न या सोशल मीडिया। ये बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम करते हैं और आपको ड्रेग कर देते हैं, आपका फोकस बिगाड़ देते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे या टेलीविज़न पे समय नहीं देना है। पांचवा पॉइंट है दुखी हो जाना अगर आपके स्कोर में कम आ रहे हैं, बिकमिंग सेड बिकॉज ऑफ द लो स्कोर इन द टेस्ट। घबराइए मत, जितने भी टेस्ट आपके इंस्टीट्यूशंस के होते हैं वो इंटरनल टेस्ट हैं, वो फाइनल टेस्ट नहीं है। कभी भी टेस्ट में नंबर कम आने से आपको सेड नहीं होना चाहिए, बल्कि एनालाइज करके अपनी कमियों को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। और लास्ट और बोनस टिप है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव लोग और नेगेटिव थॉट से दूर रहें, क्योंकि नेगेटिव लोग या नेगेटिव थॉट ये दोनों ही आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और रिजल्ट के पहले आपको कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आप गिव अप कर देते हैं, और अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो आप अपनी नीट और जेईई की तैयारी को जोरदार तरीके से लगातार बना के रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको देता रहूँगा सक्सेस के मंत्रा लगातार।